गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो यहाँ पे देखिए, शाम को 6 बजे का ये था, 5:30 बजे का था ये ब्लॉग। यहाँ पे मैं बना रही थी झालमुढ़ी। तो आई होप आप लोग भी देख लीजिए, और खाना हो तो खा भी लीजिए, बहुत टेस्टी बन रहा है यहाँ पे झालमुढ़ी। तो आलू और नमकीन जो जो प्रोसेस होते हैं वैसे ही मैं बना रही थी। तो मैं सोची चलो आप लोग के साथ कुछ रिकॉर्ड करते हैं, शेयर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सब्जी डालूँगी, बस प्याज मैं लास्ट में डालूँगी, क्योंकि प्याज वाली जो है पापा नहीं खाएंगे, कटिंग करके रख ली हूँ। पापा मम्मी के लिए मैं अलग निकाल दे रही हूँ, नींबू वगैरह डाल के। उसके बाद फिर मैं लास्ट में प्याज डालूँगी अपने सब के लिए। तो मेरा मन ही ऐसे बैठे बैठे ना, कहती हूँ कभी भी कुछ मन कर देता तो मेरा मन किया झालमुढ़ी खाया जाए। तो मैं स्टार्ट हो गई झालमुढ़ी बनाना। तो कैसा लगा मेरा झालमुढ़ी बनाना, आप लोग को अच्छा लगा नहीं, खा लीजिए आप लोग भी, बहुत ही टेस्टी बना था। हाँ, एक चीज़ की कमी रह गई, थोड़ी सी इसमें डेगी वाली मिर्च जो कलरफुल देता अच्छा लगता है वो नहीं था, तो उसकी कोई बात नहीं, बाकी सब चीज़ फ्लेवर वही था। तो यहाँ पर मैंने प्याज भी मिला दिया और सब लोग खा पी लिया। और खाने के बाद यहाँ देखिए, बच्चे छत पे ऊपर, शाम के टाइम 6 बज रहे थे, 6:15, इतनी अच्छी मौसम लग रहे थे कि मुझे रोका नहीं गया, मैं बाहर निकली। तो देखिए ऐसा मौका, तो मैं पूरे घर का व्यू आप लोग को आज होम टूर ही करा दी, ऊपर से नीचे तो पूरे घर का। रख लो उसे बैग में, रखो, फिर से खोल दिया, यहाँ पे सुबह मॉर्निंग का ये ब्लॉग था। तो मॉर्निंग में बच्चे तैयार हो रहे थे स्कूल जाने के लिए। तो यहाँ पे बाबू ना थोड़ा शरारत ज़्यादा करता है, दोनों दीदी लोग का अपने बैग चेक करता है, कुछ उसके लायक हो तो उसे उठा ले, तो इस तरीके शरारत करता है। और फिर वो सब चिल्लाती है, बाबू ये किया, बाबू वो किया मेरे साथ। तो आप लोग के भी घर में बच्चे होंगे तो ऐसे ही होता होगा ना, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसे होते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा शरारत, तो शाम को तो इतनी ज़्यादा शरारत करता ना कि जब तक दोनों के साथ लड़ाई नहीं कर लेगा, उन लोग को रुला नहीं लेगा या अपने नहीं रुलेगा, तब तक इसकी शरारत कंटिन्यू चलती रहती है इस तरीके से। बस इसको क्या है ना, चिढ़ाने वाले जो चीज़ें होते हैं कि किसी को थोड़ा सा कुछ कर दो, बस चिल्लाने लगे वो वाला काम। और छोटी बेटी मेरी तेन खास करके चिल्ला, थोड़ा सा भी कुछ होता बहुत तेज़ चिल्लाती है, तो उसी लिए और वो करता है। तो यहाँ पे देखिए, अब मेरा सारा चीज़ हो गया, बाबू का बैग टांग देती हूँ, सारा चेक करना होता है। तो यहाँ पे आ गई बाहर शूज सॉक्स पहनाने। तो आज मैंने आप लोग को सुबह मॉर्निंग वही इंडियन मॉम सारी ब्लॉग के हिसाब से मैंने आज पूरे ब्लॉग शेयर किया, बच्चों को परफेक्ट तरीके से तैयार करना, भेजना करना। अभी तो और चीज़ें मैंने थोड़ी सी स्किप कर दी इसलिए कि नहीं कर सकती। और यहाँ पे ये डिस्कस कर रहा था कि मुझे अपने आई कार्ड का जो डोरियाँ हैं वो इसके वो मुझे चेंज करना है, क्योंकि बीच छोटी वाली बेटी ले ली येलो, तो मुझे भी येलो ही चाहिए। तो देखिए, इसका येलो है, उसका ग्रीन है, अब उसे ग्रीन नहीं पहनना है। काफ़ी ज़्यादा कहते हैं ना, हर चीज़ का जिद करता है। तो यहाँ मम्मी थोड़ा सा भागम भाग लगाई रहती है साथ में, तो यहाँ उसको बैठा है, उसका बैग सेट कर रही थी, लेट हो रहा था, और मैं आ गई थी किचन में। तो अब चली हूँ मैं, आज मैं अभी ब्लैक टी नहीं पी थी, मेरे बहुत बड़ा कारण हो गया है मेरे मुँह में, क्या बताएँ। अब आप लोग से मैं कैसे बात करूँ, बात कर रही हूँ ना बिल्कुल एकदम, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मन नहीं कर रहा है, लेकिन वही है, मजबूरी है, करना है। तो यहाँ पे मैं आप लोग से बातें भी कर रही हूँ और अपने मुंह को पकड़ी हूँ, ऐसी हालात हो गई है। अब बच्चों के भेजने के बाद फिर मैंने चाय पिया और अनंत व्रत भी हूँ। तो अभी मैंने आप लोग के साथ जो 7 गाँठे वाली चीज़ें पहनी जाती है उससे मैंने आप लोग को नहीं दिखाया, तो दिखाऊँगी। चलिए पहले दाल चढ़ा लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोग के साथ ये रोटी शेयर कर रही हूँ। अभी मैंने चाय नहीं पी, बस चाय को अपनी छान के रख ली हूँ, चलूँगी पीऊँगी। तो पहले दाल चढ़ा देती हूँ, दाल जब तक सीटी देगा उतने में मैं तो चाय पी लूँगी, और फिर उसके बाद सब्जी का छौंका लगाऊँगी, बनाऊँगी तरुई की सब्जी।
और मैं क्या खाती हूँ अभी कुछ भी कन्फर्म नहीं है, क्योंकि अपने लिए ना सच में कुछ नहीं होता, दूसरे को अगर करना होता है तो हो जाता है, बट अपने लिए आज इंसान इग्नोर। और हम हाउसवाइफ ऐसे होते हैं ना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं नहीं बोल पा रही हूँ, फिर हो रहा है, भले चंगे होंगे, आशा करती हूँ आप लोग अच्छे रहिए, बट अभी मैं अच्छी नहीं हूँ। मेरे दांत से यहाँ ऊपर बात करने वाला, ये पेन हो रहा है जिसके कारण मैं सुबह से नहीं स्टार्ट था ब्लॉग, अभी स्टार्ट हुआ है। और आज इतना भागम भागा है, 11:30 हो रहा, अभी तक हमारा कोई काम नहीं हुआ। किचन क्लीनिंग कुछ कुछ हुआ था, पूरा नहीं है, वो भी होगा। मैं यहाँ दूध रखा है, इसे फ्रिज में रखूँगी, अभी नहीं करवाऊँगी। चलिए पहले किचन को थोड़ा सा सही करूँगी, उसके बाद झाड़ू पोछा करूँगी, कैसे होगा। तो ब्लॉग के साथ कंटिन्यू रहिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और रात से ही मेरे दांत में पेन हो रहा है, मैंने पेन किलर खा के उसके बाद भी व्रत हूँ, और उसके बाद भी जो कि बोला नहीं जा रहा है, लेकिन आप लोग के साथ वीडियो, क्योंकि ये हमारा काम है, हमें करना है, चाहे मैं दुख में रहूँ चाहे सुख में। लेकिन आप लोग थोड़ा सा अगर प्यार सपोर्ट बरसाते तो और भी अच्छा कर मन करता कि थोड़े से और भी हो जा रहा है तो क्या, लेकिन काम तो करना ही है। तो प्लीज़ आप लोग प्यार सपोर्ट ढेर सारा मेरे चैनल पे बरसाइए, आप लोग से यही रिक्वेस्ट है। और वीडियो जितना भी अच्छा लगे प्लीज़ शेयर भी लोगों में करिए। तो इस तरीके से जो कि कंटिन्यू में मेहनत कर रही हूँ, और दांत में पेन हो रहा, अभी मुझे पेन किलर भी खाना है और सब कुछ करना। तो इस तरीके से मेरा जो सुबह अर्ली मॉर्निंग से लेकर दोपहर 12 बजे तक कंटिन्यू ऐसे बना ही रहता है हमारा रूटीन, घर के सारी चीज़ को एक एक चीज़ को सेट करना। तो अभी चली हूँ मैं, और सब चीज़ें हैं किचन में, बर्तन तो नीचे धुल के रखे गई हैं लक्ष्मी जी, तो वो भी है फैला। तो यहाँ मैं अभी रूम का सारी चीज़ ऐसे से किचन का सेट कर रही हूँ, उसके बाद रूम का सेट करूँगी, फिर झाड़ू पोछा करना। बिल्कुल मन तो नहीं कर रहा लेकिन करना है, क्योंकि एक जो होता है ना कि मार लो तो मन करता है कि हाँ फ्रेश हो गया, मैंने कर ली, नहीं तो पूरा दिन रहेगा कि आज मैंने ये नहीं किया, ये दिमाग में माइंड में चलता रहता है। तो मैं इसीलिए सोचती हूँ उससे माइंड में चलने से बढ़िया है कि आप उसे करके ख़त्म कर दो, ऐसा ना हो। तो चलिए, इधर का किचन तो साफ हो गया था, थोड़ा सा ये सब गंदा है, तो ये पाइप मैं उतारती हूँ। पाइप इसलिए लगा है कि आप नीचे जब बर्तन मांजती हैं लक्ष्मी जी उसे धो लेती हैं। और यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से मैं उसे, जिससे बर्तन साफ़ किया जाता है उसी से रगड़ रगड़ के नल उल को साफ, ये हमारी डेली की रूटीन है, इस तरीके से मैं सफाई करती हूँ। थोड़ा भी छिटा छिटी इधर उधर होता है ना, अजीब सा गंदा सा लगता है, तो इसलिए मैं इस चीज़ को हमेशा इस चीज़ को फॉलो करती रहती हूँ कि चमकता रहे, जिससे देखने से न्यू लगे। तो करना ही है, आप यूँ कहिए कि हम हाउसवाइफ अपने चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, अपने ऊपर ना ध्यान देते हुए पूरी फैमिली के ध्यान दें, पूरे घर के ध्यान देने में अपने ओकरों को इग्नोर कर देने। तो इस तरीके से हमारा जो रूटीन होता है ऐसे ही रह जाता है। और अभी आज मैं कुछ भी नहीं कही हूँ, अब देखती हूँ कब तक होता है। अभी तो फ़िलहाल ये सब करूँगी, वीडियो एडिटिंग करूँगी, अपलोड कर रही हूँ, तो अभी आप लोग फिर कुछ करूँगी, क्योंकि वीडियो एक समय, और मेरी मोबाइल मुझे बहुत ज़्यादा जवाब दे रही है, मैं क्या करूँ, मुझे समझ में वीडियो अब नहीं बन रहा है, इसमें एडिट नहीं हो पा रहा है, स्पोर्टिंग भी करने बहुत प्रॉब्लम, 2-2 घंटे में लेकर रिस्क परेशान हो जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं कब तक क्या होता है, बस यही सोच रही हूँ बार बार ना कि कुछ अच्छा हो तो फिर लो तो अच्छा लगता है, कुछ हो तो अच्छा हो तो लो अच्छा लगता है, वही चीज़ दिमाग में चलने के कारण। तो यहाँ मैं थोड़ा सा ये सब सफाई कर रही हूँ, क्योंकि बर्तन धुलती हैं छिट टुटे इधर उधर पड़ जाते हैं, और बिना डेली मैं इससे वॉश किए रहती भी नहीं हूँ, क्योंकि नहीं तो ना वाइट टाइल्स है, बार बार ऐसे हो जाएगा, गंदा बना ही रहेगा, और मुझे खुद यहाँ पे तब आने में गंदा लगेगा, और बच्चों की बात ही छोड़िए। तो हमारी डेली की रूटीन इसी और था। तो क्लीन, आई होप वीडियो पसंद आया, लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।